हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं साधन सारी उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष आज मैट्रिक्स का ही एक्सरसाइज 5.1 को लेकर के। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चूंकि हम लोग इस मैट्रिक्स का पार्ट वन वीडियो में उसके जितने भी डिफिनेशन है उसको हमने कंसेप्ट के साथ समझा था, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि सात अवयवों वाले अवयवों की संख्या कितनी होगी। दूसरा इसी में कह रहा है कि छह अवयवों वाले अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए हल लिखेंगे पहला के लिए हल, और इसमें लिखेंगे ना सात अवयव वाले, लिखेंगे सात अवयवों वाले अवयवों की संख्या। तो देखिए अवयवों की जब संख्या लिखेंगे ना तो इसके लिए देखेंगे सात की सबसे पहले इसका कोटि क्या क्या हो सकता है। तो आपका हो सकता है सात गुणे एक, ठीक है, या हो सकता है एक गुणे सात, इसके बाद से और कोई इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि इसकी टोटल कोटि कितना होगी एक दो, यानी कि इसके अवयवों की संख्या कितना होगा दो हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम इसका लिखेंगे दूसरा का, तो देखिए दूसरा का क्या हो जाएगा, इसका जब लिखेंगे छ अवयव वाले अवयवों की संख्या, तो देखिए छ के लिए आप क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो आप एक गुणे छ लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं एक गुणे छ, फिर छ गुणे एक, ठीक है, आप लिख सकते हैं दो गुणे तीन, फिर लिख सकते हैं आप तीन गुणे दो। इसके बाद से ऐसा कोई अंक है जो इसके अलग अलग प्रकार से गुणनखंड किया जा सके, यानी कि कह सकते हैं आप कि इसकी टोटल कोटियां लिखेंगे तो एक गुणे छ होगी, या छ गुणे एक होगी, या दो गुणे तीन होगी, या तीन गुणे दो होगी, यानी कि जब इसके वो अवयवों की संख्या हम बताएंगे तो एक दो तीन और चार, तो इसमें अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अवयवों की संभव कोटियां क्या है यदि इनमें, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि पांच अवयव है, और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि चौबीस अवयव है। दो क्वेश्चन को देखिए, पहला नंबर के लिए हल लिखेंगे तीसरा का पहला, इसमें कह रहा है कि पांच अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या होगी, तो लिखेंगे पांच अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां क्या हो जाएगी। देखिए पांच को टोटल है अवयव, तो आप लिख सकते हैं एक गुणे पांच, और क्या लिख सकते हैं पांच गुणे एक, इसके बाद कोई अंक होगा कोई अंक नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप लिखेंगे तीसरा नंबर का हल, तो इसको देखिए तीसरा नंबर का है ना कि 24 अवयव है, लेकिन 24 अवयव है, लिखेंगे 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि लिखेंगे ना, तो देखिए 24 है, 24 का आप क्या लिख सकते हैं एक गुणे 24 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या 24 गुणे एक, ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं दो गुणे 12, या आप लिख सकते हैं 12 गुणे दो, ठीक है, उसके बाद से आप लिख सकते हैं तीन गुणे आठ, या आप लिख सकते हैं आठ गुणे तीन, इसके बाद क्या लिखेंगे चार गुणे छ, छोको 24 लिख सकते हैं छ गुणे चार, इसके बाद ऐसा कोई अंक सोचिए, ऐसा कोटि सोचिए जो इसको क्या करे 24 अवयव है, देखिए इसमें ए गुणे 24 है, लेकिन 24 होगा, 24 गुणे एक का भी मतलब क्या होगा 24 होगा, देखिए यही आपका क्या हो जाएगा जितने भी संभव कोटि हैं यही क्या होंगे आपके आंसर हो जाएंगे। तो
तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर दो को इसी मेथड के हिसाब से संभव कोटियां ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए और तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2×3 आव्यूह बनाए जिसका अवयव aij इक्वल टू दिया है i+2j द्वारा प्रदत्त है। तो इसका कह रहे ना कि एक आव्यूह की क्या करना है, रचना करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि 2×3 का आव्यूह a इक्वल टू मान लेंगे क्या, देखिए 2×3 का है तो a11 हो जाएगा, ठीक है, a12 हो जाएगा और a13 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार ये आपका हो जाएगा a21, a22 और a23। देखिए ये दो आपका और ये आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि आपका आव्यूह बनेगा कितना का, 2×3 का, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, रखेंगे मान, इसका जो मान दिया है aij इक्वल टू दिया है ना i+2j, लिखेंगे aij बराबर i+2j से, इतना से चलेंगे, ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे, a11 जब निकालेंगे तो i का भी मान 1 और j का भी मान 1 रखेंगे, जब a12 निकालेंगे तो i का मान 1 और j का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। उसी प्रकार a13 निकालेंगे तो i का मान 1 और j का मान क्या होगा, 3 होगा। तो इतना से चलेंगे a11 बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया i+2j, i का मान आपको रखना है कितना 1 और +2j है तो 2 और j, j का भी मान कितना रखना है, 1 रखना है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 और +2 में 1 से गुणा होगा तो 2, यानी कि कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम निकाल लेंगे a12 ताका 1 और +2 और j, तो j का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2×4, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4 इक्वल टू, जुड़ेंगे तो 4×1, 5, ठीक है। उसी प्रकार जब आप a13 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस आई का मान 1, +2j है तो 2 और j का मान कितना है, 3, तो 3×6=7 हो जाएगा, 1+6=7। उसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, ये तीनों हो गया, अब इसको निकालेंगे a21 को निकालेंगे, a21 इक्वल टू a का मान है आपका, सॉरी आई का मान आपका 2 है तो 2 और +2j है तो 2 और j का मान कितना है, 1, आगे बढ़ेंगे तो 2 और ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2×2 क्या हो जाएगा, 4। फिर आगे बढ़ाएंगे a22 जब निकालेंगे तो देखिए आपका आई का भी मान 2 और j का भी मान कितना है, 2 है, तो आपका 2 और गुणा हो जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा 2×4 और 4×2 जोड़ देंगे तो 4×2=6। फिर आप निकालेंगे 8, 2, 3, यानी कि आई का मान 2 और जे का मान 3, तो आपका हो जाएगा ये आपका 2 और +2 गुणे हो जाएगा 3, या हो जाएगा 2 और +3×6 और 6×2 क्या हो जाएगा, 8 लिखेंगे। इसलिए आव्यूह यहां लिखिए, लिखेंगे इसलिए आव्यूह a=2। अब जो जो मान मिला है, देखिए a11 का मान कितना मिला है, a11 का मान आपका मिला है 3, उसके बाद से a12 का मान मिला है कितना, 5, और इसका मान कितना मिला है, a13 का मान मिला है 7, ठीक है। उसी पर क्या लिखा, 4, 6, 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें जो तीसरा है उसको भी इसी मेथड पे क्या करेंगे, लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, उन दोनों का टाइप एक ही है, तो उसी टाइप पे आप लोग उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि aij बराबर दिया है i×j, तो आपको करना क्या है, केवल गुणा करा देना है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जोड़ना था, यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा को देखते हैं। 5 का पहला इसी के आधार पर लगेगा, केवल यहाँ 2 नहीं है, ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, हल लिखेंगे इसका, ठीक है,
और कह रहा है कि 2 × 2 का भी, यानी कि आपका कॉलम भी 2 होगा और रो भी 2 होगा, ठीक है, पंक्ति भी 2 होगा और स्तंभ भी क्या होगा 2 होगा। तो ठीक है, मान लेंगे पहले, माना कि 2 × 2 का अवयव, अवयव मान लेंगे एक ए इक्वल टू आपका दिया है A11 और A12, ठीक है, और A21 और A22, क्योंकि 2 × 2 का है, ठीक है, तो 2 को कलम और 2 को क्या होना चाहिए, रो भी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे इसलिए यदि है आपका ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j बटा 2 और इसका दिया है होल स्क्वायर, चलेंगे इतना से, ठीक है, लिखेंगे A11 बराबर, यानी कि i का मान 1 और j का मान 2, ठीक है, तो आपका हो जाएगा i की जगह पे 1 और प्लस j की जगह पे क्या हो जाएगा, j की जगह पे भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 1 है तो दोनों 1 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर और बाटा में ये 2 है तो 2। आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस ये हो जाएगा 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, अब बटा कितना है 2 है, यानी कि 2 में जब आप 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर अब बटा 2, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 3, यानी कि 3 × 3 = 9, अब बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी के बाद से अब क्या करेंगे, A12 निकालेंगे, इसी तरह A12 इक्वल टू यानी कि i का मान 1 और j का मान 2, तो 1 और प्लस 2 × j का मान क्या है, देखिए 2j है ना, तो 2 और गुणे j, तो j का मान कितना है 2, अब आटा हो जाएगा आपका 2, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, क्योंकि प्रश्न में दिया है। आगे बढ़ाएंगे तो 1 और प्लस ये हो जाएगा 2, तो नीचे 4 का स्क्वायर अब आटा हो जाएगा 2, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 1 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर अब आटा 2, यानी कि 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, अब आटा हो जाएगा 2। उसी प्रकार A21 निकाल लेंगे, A21 इक्वल टू यानी कि i का मान 2 और j का मान 1, तो आपका हो जाएगा 2 और प्लस 2 और गुणे j का मान 1 है तो 1, इसका होल स्क्वायर अब बटा हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 2 और 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, इसका होल स्क्वायर अब बटा हो जाएगा 2, तो 2 × 2 = 4, 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर अब बटा हो जाएगा 2, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर 16, 4 × 16 बटा 2 कट के हो जाएगा 2 × 16, ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, इसको देखिए A21 हो गया, अब A22 निकालेंगे, A22 तो देखिए i प्लस 2 जे है तो i का मान आपका कितना है 2 है, अब प्लस 2 और गुणे j, j का भी मान कितना है 2 है, क्योंकि बीच में गुणा है 2 के साथ, तो 2 के साथ क्या करेंगे गुणा कराएंगे, इसका होल स्क्वायर अब बटा हो जाएगा 2। आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 × 4, ठीक है, इसका वर्ग अब बटा हो जाएगा 2, तो 4 × 2 = 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका अब बटा हो जाएगा 2, 6 का स्क्वायर 36 और 36 × 2, 6 × 36 कटेगा तो 2 × 18 × 36, लिखेंगे अवयव बराबर अवयव a इक्वल टू, तो देखिए कितना मिला है 9 बटा 2, A12 कितना मिला है 25 बटा 2, A21 कितना मिला है 8 मिला है, और A22 कितना मिला है आपका 18, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार देखिए इस एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बताए, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग लगाएंगे, क्योंकि 6 नंबर भी इसी के आधार पर लगेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन 6 नंबर भी है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, ये क्लास आपका मैथ का मैट्रिक्स का अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, धन्यवाद।